और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उद्धव ठाकरे की ओर से सीटों के लिए ऐलान किया गया है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम के बागी तेवर सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि उद्धव के सामने कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है, कांग्रेस नेतृत्व मुंबई में फेल हो गया है। निरुपम ने यह दावा किया, खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं करेंगे, सीधे सीधे संजय निरुपम ने बागी रुख अपनाया है। संजय निरुपम जो कभी शिवसेना में भी हुआ करते थे, बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, अब कांग्रेस के नेता हैं और अब उन्होंने बागी रुख अपनाते हुए क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। आज सुबह सुबह है, शिवसेना ने मुंबई की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और मेरी जो जानकारी है 5वें सीट का उम्मीदवार भी वो कल परसों तक घोषित कर देंगे। मतलब मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है, मैं इस फैसले का निषेध कर रहा हूं। सबसे पहली बात, आज सुबह सुबह है, शिवसेना ने मुंबई की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और मेरी जो जानकारी है 5वें सीट का उम्मीदवार भी वो कल परसों तक घोषित कर देंगे। मतलब मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है, मैं इस फैसले का निषेध कर रहा हूं। सबसे पहले शिवसेना ने जो उम्मीदवार घोषित किया है उत्तर पश्चिम के लिए, उसके बारे में मैं भूमिका पहले से स्पष्ट कर चुका हूं। उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, ईडी के द्वारा छानबीन जारी है और भ्रष्टाचार का भी जो आरोप है वह कोविड के जमाने में अपने शीर्ष नेतृत्व से इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं एकाध हफ्ते ज्यादा से ज्यादा अब इंतजार करूंगा। मुझे मालूम है आप लोगों के मन में चिंता यह होगी कि हम अगला निर्णय क्या ले रहे हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं, मैं विकल्पहीन स्थिति में नहीं हूं। अब जो होगा आर पार होगा और आने वाले एकाध हफ्ते में इस प्रकार की घोषणा आपको सुनने को मिल जाएगी। तब तक के लिए मैं निश्चित तौर पर अपने नेतृत्व की जो भी एक उनके मन में हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं के लिए जो भावना है उस भावना का इंतजार किया जाएगा। अब इससे ज्यादा इंतजार करने का वक्त, एक हफ्ते से ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता, ऐसी मेरी घोषणा है। तो संजय निरुपम ने पार्टी आलाकमान को एक हफ्ते का समय दिया है। दरअसल उनकी सीट से उद्धव ठाकरे की ओर से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और उसके ऊपर, उम्मीदवार के ऊपर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने हमला बोला है, कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में उसकी जांच चल रही है, कांग्रेस नेतृत्व मुंबई में फेल रहा है। तो कांग्रेस नेता संजय निरुपम के बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं। महाविकास आघाड़ी, जिसमें कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी है शरद पवार खेमे की, टिकट बंटवारे को लेकर के घमासान, संजय निरुपम ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। जीनी।